मुरादाबाद की साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे छात्र ठग को गिरफ्तार किया है जो लोगों के साथ बैंक अधिकारी बनकर उन्हें एक OTP भेजकर उनके साथ ऑनलाइन ठगी करता था। पुलिस ने छात्र ठग के पास से 7 अलग अलग बैंकों की पासबुक, 19 चेकबुक, 7 महंगे स्मार्ट मोबाइल फोन, 18 डेबिट और ATM कार्ड, 3 अलग अलग नाम के ड्राइविंग लाइसेंस, 4 आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के बैंक खाते में जमा 1,45,000 रुपए भी सीज करा दिए हैं। मुरादाबाद पुलिस की हिरासत में खड़ा ये मासूम सा नजर आने वाला शख्स राजकुमार दास उर्फ राम कुमार दास है। ये युवक बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है और देश की राजधानी दिल्ली के कापसहेड़ा बॉर्डर पर रहकर लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इस मासूम से नजर आने वाले शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुरादाबाद के एक विद्युत अधिकारी के साथ ऑनलाइन ठगी कर 1,75,000 रुपए ठग लिए थे। ये शातिर ठग दिल्ली में ओला कैब चलाकर लोगों को और पुलिस को गुमराह करते हुए ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर इस ठगी गैंग का खुलासा किया। ये शातिर किसी भी कम पढ़े लिखे लोगों के सरकारी योजनाओं के नाम पर खाते खुलवाकर उन्हें कुछ पैसे देकर उनके खातों में ठगी की रकम डलवाकर वो रकम खुद निकाल लेते थे। जैसा कि आप सब लोग अवगत है कि हमारे परिक्षेत्र में एक साइबर थाना है और हमारे जो जिले का साइबर थाना है मुरादाबाद का, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है इस समय। पिछले दिनों दिसंबर माह में एक एक्सियन है यहाँ विद्युत विभाग में, उनके खाते से 4 लोगों ने उनको ऐप के माध्यम से उनसे OTP प्राप्त करके उनके खाते से 1,75,200 रुपये जो है ट्रांसफ़र करवा लिए थे, जिसमें हमारे उन्होंने सूचना दी हमें और तत्काल हमारे जो साइबर पुलिस है यहाँ के साइबर थाने की पुलिस है, इन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए तत्काल लगभग 1,45,000 रुपये फ्रीज करा दिए, जो कि इनको कुछ दिन वापस आ जाएंगे। और इसमें से 2 अभियुक्तों को जा करके दिल्ली से गिरफ्तार करके लाया। एक का नाम अरुण है जो पहले जेल जा चुका है और दूसरा ये राजकुमार दास, ये दोनों दिल्ली में ओला चलाते हैं, मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन इनके द्वारा जो ऑनलाइन फ्रॉड इस तरह से किया जाता है। ये पहले पता करते हैं किसी उसके बारे में कि किसको उनका टारगेट बनाना है, उसके बारे में थोड़ा उसके प्रोफाइल फेसबुक इस तरह से देख करके और उसके अकाउंट डिटेल प्राप्त करके उसको फ़ोन करते हैं। उनको फोन करने के बाद अगर कोई ऐप यूज कर रहा होता तो उस ऐप का OTP वो किसी अन्य बहाने से प्राप्त करते हैं, उस OTP के माध्यम से फिर उससे अपना बैलेंस ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इनके पास से जो बरामद की गई है 7 पासबुक बरामद की गई है, 19 चेकबुक, 7 मोबाइल फ़ोन, 18 ATM, 3 DL, 4 आधार कार्ड और 5 पैन कार्ड इनके पास से नहीं बरामदगी हुई है। ये 4 लोग हैं जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक अरुण पहले जेल जा चुका है, दूसरा ये राजकुमार दास है, 2 अन्य हैं अभियुक्त हैं, उनका नाम अभी हम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करें क्योंकि विवेचना का विषय है, मीडिया में नाम आए तो सतर्क हो जाते हैं, इसलिए भी उसको हमने ये सीखने का इनका है कि ये बताते हैं कि इनके बहुत सारे दोस्त हैं जो इस तरह का काम करते हैं और वहीं से ये लोग जो है अपना ऑनलाइन में जो है फ्रॉड करने का काम धीरे धीरे शुरू करते हैं आपस में एक दूसरे से सहयोग करके। इनका नेटवर्क क्योंकि शहरों में क्योंकि राज्यों में चल रहा है कुछ नहीं, इनका कोई इस तरह का बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है, ये 2-4 लोग जैसे होते हैं, 4 लोग 6 लोग उस तरह से ये लोग अपना एक गैंग बनाते हैं, उसमें कई लोगों के नाम से खाते खोलते हैं, यहाँ से ट्रांसफर करते हैं, पहले एक अकाउंट पर जाता है फिर उससे अगले 4 लोगों के अकाउंट में जाता है, फिर उससे अगले 4 लोगों के अकाउंट में जाता है, इस तरह करके वो जो फाइनल व्यक्ति होता है जिसके ATM से पैसे निकलते हैं वो या तो बहुत वृद्ध व्यक्ति होता है या फिर बहुत विकलांग होता है, उसको पता भी नहीं होता है, उसको 5,500 रुपये या 1,000 रुपये दे करके उसका खाता खोलते हैं और उसका जो टूल किट आता है, जिसमें टूल किट कह सकते हैं, जिसमें उसमें इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड ATM सारी चीज़ें होती हैं, उसको वहाँ से उसे ले लेते हैं 500 रुपये दे करके। तो नाम से खाता किसी और का होता है, यूज उसको ये लोग करते हैं, जिसमें देखें पासबुक ATM वगैरह जो यूज़ किया है ये सामान्यतः दूसरे व्यक्तियों का है जो उन्होंने 500,000 रुपये देकर कुछ से ले रखे हैं। सर पूछताछ में उन्होंने इस तरह से बताया कि कितने लोगों को अब तक टारगेट कर चुके हैं ये लोग? इनका कहना है कि उन्होंने कम से कम 8 से 10 लोगों को टारगेट किया है और करीब करीब इन्होंने कम से कम 10 से 12 लाख रुपए जो है उड़ाए हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? बहुत सामान्य बैकग्राउंड है, कोई हाई स्कूल पास है कोई इंटर पास है और इसमें कोई बहुत बड़े टेक्निक की जरूरत नहीं होती है, ये सिंपल आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है उस पर इनका सारा काम चलता है, बाकी OTP डाल करके और खाता खोलना तो बहुत आसान है, इसके लिए बहुत कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या इस तरह कि बहुत आप साइबर तो बहुत एक्सपर्ट हो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये बस ये अपने बातचीत में इन्हें बातचीत करके फंसाने का जो तरीका है ये इनको पता है कैसे लोगों को हम फंसा सकते हैं।